तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे डिजाइनर्स की तरफ। इनम, आपने भी वक्त में जाने से पहले मोहित भाई ने बड़ी एक अच्छी हमें बात ये बताई कि जिस कदर हमारा जो हौसला और हमारी जो बर्दाश्त है वो किस तरह ख़त्म हो रही है, हम लोग अपनी ज़रूरतों के साथ साथ जो हमारी चाहतें और ख्वाहिशें हैं उनकी लिस्ट हमारी बढ़ती जा रही है। ये तो एक कमज़ोर नर्वस सिस्टम की निशानी हुई कि आपने ऑर्डर दिए, आप नहीं मैनेज कर पाए, तो इट्स ओके। आई मीन, आप खुदा न खास्ता आपने अपने ऊपर इतना बड़ा जो है प्रेशर ले लिया कि एक अपनी जान से गया, दूसरा भी अपनी जान से गया। इरम, क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? बिकॉज सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो फिर डिज़ाइनर्स को चाहिए होती है, यू बीइंग हर वन योर सेल्फ। नहीं माया, बिल्कुल। देखो, सिर्फ डिज़ाइनिंग में नहीं, इस वक्त जो हालात हैं स्पेशली आफ्टर कोरोना, अनसर्टेनिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है हर बिज़नेस से रिलेटेड, ठीक है। और कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत कम होता है कि आप प्रेशर इतना नहीं बर्दाश्त कर पाते। अब यहाँ जब भी मुहिब ने बात बताई कि उन्होंने ऑर्डर्स किए और फिर नहीं पे कर पाए, तो मेरे ख्याल से इसमें बीच में एक कस्टमर का और मतलब आपका और आपके क्लाइंट का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है कि अगर वो फ़ौरन पेमेंट नहीं भी कर पा रहे, जाहिर है ये एक एतबार का भी रिश्ता होता है। सही बात। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप सहूलत के साथ कर सकते हैं। यार, मे बी विद इन 2 months 3 months आई एम हियर, अभी ये प्रॉब्लम है, दे दूंगा मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा। एग्जैक्टली, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ना मैं समझती हूँ कि मतलब कोई इतना हार्श हार्टेड होता है कि वो बोले नहीं जी, जब तक आप मुझे कपड़े पैसे नहीं देंगे आप ये कपड़े ही नहीं उठाएंगे। कहीं अगर ऐसा होता है तो मैं उसको कहती हूँ कि वो इंसानियत के दर्जे पे ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो किसी के साथ भी आ सकती है। अब अगर आज मेरा बिजनेस है, गॉड फॉरबिड कि कल को मुझे कोई प्रॉब्लम आए और मेरे जो वेंडर्स हैं वो बोले नहीं जी हम आपको नहीं दे रहे, exactly. तो ये तो बात गलत हो जाएगी ना। हम टेलर्स हैं, मेरे पास 7-8 माशाल्लाह, तो कभी ऐसा होता है कि मेरी कोशिश ही होती है कि मैं पेमेंट बिल्कुल टाइम टू टाइम करूं। अब जैसे ईद है, उनको भी अपने घर देने, कारीगरों को देने, बिल्कुल। लेकिन अगर कभी कोई चीज हमें पता होती है कि हमें इधर इन्वेस्ट करना है, तो हम कहते हैं कि यार अभी हम कोई मसला तो नहीं है, 15 days 20 days, कहेंगे नहीं बाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या हमारे जो बाहर क्लाइंट्स हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऑर्डर पहले मतलब कुछ देखो क्लाइंट्स के साथ ऐसा बन जाता है कि वो कहते हैं कि यार ठीक है ये ड्रेस भिजवा दो, पेमेंट मैं आपको 2 months के बाद भिजवाऊंगी। या अभी ना हमारे पास मतलब ये हुआ है मेरे साथ, अच्छा, कि डॉलर का रेट जो है वो आजकल बहुत कम चल रहा है, तो जरा से ये हालात गुजर जाए, हमारे डॉलर ऊपर आ जाएगा तो मैं भिजवा दूंगी। आई सेड फाइन, क्योंकि वो इसमें भी इतना मसला नहीं है। जो इधर मुझे ऐसा लगता है माया कि ये क्लास पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें ना, तो जिस तरह से जिन लोगों ने अपने अपने आप को नुकसान दिया और चीज़ें की, तो ये क्लास पर डिपेंड करता है। अब जब हम डिज़ाइनर की बात करते हैं और उससे फिर नीचे आते जाते हैं, तो डिज़ाइनर तो यहाँ पर अब मतलब अगर मैंने जो देखा है, ख़वातीन के जोड़े जो हैं यहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए की भी डिजाइनर के मिलते हैं, बिल्कुल, और 1500 रुपए की भी और 2000 रुपए की भी मिल रही है। जलाल, ठीक है, 2 लाख तो तुम बहुत मतलब कसरे नफसी से काम ले रहे हो। जोड़े तो डिजाइनर्स के, अगर मैं नाम तो अब नहीं ले रहे, वो करोड़ से भी शुरू होते हैं, 90 लाख के भी होते हैं, 80 लाख के भी होते हैं। मेरे ख्याल से जो लोड वर्क लोड लेने वाले जो लोग हैं ना, अब उनके पास तो देखो वही जाते हैं कि जिन्हें पता है कि वहां से शादी की डेट भी सेट हो रही है कि जी हम आपको जोड़ा February 2025 में देंगे, तो फिर वो अपनी शादी जो है वो अप्रैल या मार्च 2025 में, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पैसे की प्रॉब्लम वहाँ आ सकती है कि अगर किसी को भाई लेना भी है, बिल्कुल ऐसा ही, और उसने बहुत सारी चीजें करवा भी ली है और फिर उसको अफोर्ड नहीं वो कर पा रहा, वहाँ हो सकता है क्लाइंट आपसे बोल सकता है कि थोड़ा सा अगर आप मुझे मार्जिन दे दें। तो मेरे ख्याल से बींग अ डिजाइनर, बींग अ ह्यूमन, हमको देना चाहिए, क्योंकि दस जगह हमको भी जरूरत है। थोड़ा सा मूड को और जरा लाइटर साइड पे लेके जाते हैं। सलमान भाई की बात मुझे याद आ गई, उन्हें आस्तीन सी नहीं थी। मैंने शुक्र कर दी दिल में, शुक्र आस्तीन लगा तो दी थी, अगर नहीं लगाती तो बेचारी कहती मैं तो स्टाइल समझ के पहन गई, इतनी भोली उनकी कस्टमर थी। ऐसे भोले कस्टमर सबको मिल जाए भाई, दिल से निकल रही होगी। ऑनेस्टली मुझे याद आया कि मैंने एक दफा एक सूट सिलवाया था, तो उसमें फ्रंट और बैक 2 कलर्स का था, तो वो कपड़ा ज्यादा दिया हुआ था। अब वो मेरा टेलर ये समझा कि शायद फ्रंट और बैक 2 कलर्स में, तो शलवार भी 2 कलर में होगी। उसने एक शलवार 1 कलर की सी थी और एक पाइचा 1 कलर का सीधा। अब वो मैंने ऑनेस्टली मैंने चेक नहीं किया, मतलब इतना अच्छा मेरा काम करने वाला, उसने अपने जहन से बहुत सोचा कि ये 2 कलर भी वो आधी 2 कलर में होगी। अच्छा, अब मेरी तस्वीर खींच के मेरी जो क्लाइंट थी उसने भेजी, एंड शी वाज सो हैप्पी। उसने कहा इतना मुझे अप्रिशिएट किया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ओह माय गॉड, माने जिसने भी देखा। अच्छा, उसने
अकलमंदी ये की थी कि जो फ्रंट था ना तो एक पैचा उसका हो गया, एक पैचा बैक का हो गया। शी वाज सो हैप्पी कि ना ये जो आपने जिद्दत की है ना, मैं तस्वीर देखी कि ये जिद्दत हुआ है, ये जुर्रत हुई है, जुर्रत तुमने क्या किया। कहते बाजी मैं सोचा कि ये दो कलर की शर्ट है तो शलवार भी दो कलर की, मैंने कहा खुदाई ख्वार पूछ तो लेते, वो तो बिचारी चलो जिद्दत समझ के खुश हो रही है तो, और वो गए भी बाहर थे कपड़े तो उसको हमारे साथ अभी हुआ है टेलरिंग को ये ज्यादा देखती हैं एक्चुअली, मैं मार्केटिंग देखती हूँ तो मैं ऐसे क्लाइंट्स झेलती हूँ जिनका ये होता है कि हमने जो डिजाइन बनाया वो उसको बिल्कुल ऑपोजिटली कहते हैं कि ऐसे कर दें, तो हम बना देते हैं और वो इतना ही खुश होते हैं। और टेलर्स का ये अभी बता सकती हैं, अभी हमारे टेलर ने ऐसे ही किया, हमारा भी माशाल्लाह ग्रेडियंट एक आर्टिकल था जो ग्रे जगह थी वो पिंक हो चुकी थी और जो पिंक थी वो ग्रे हो चुकी थी उल्टा, और वो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, इसलिए हंसी थी, इनके साथ भी यही हुआ है। और वो 10-15 मिनट की हमारी कम्युनिकेशन आगे पीछे होती है और वो कट चुका होता है, वो स्टिच हो चुका होता है, वो बस अब रेडी हो रहा होता है। हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हम ये नहीं कर सकते कि हम वो क्लाइंट को भेज दें, ये गलती बीइंग अ ब्रांड हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा क्लाइंट तो मैं वही दे रही हूं, बहुत ब्लेस्ड हैं सलमान भाई, बहुत ब्लेस्ड हैं और मोहब्बत से आई, वरना हमारे यहाँ तो बड़ा मसला हो जाता है ये चीज का, क्योंकि चीजें होती हैं समटाइम्स, जैसे बहुत सारी चीजें भी मेरे पास टाइम कम है, 4-5 दिन है ईद में, तो कस्टमर्स जो है ना हमसे काफी मतलब बहुत सारी चीजें के लेसिस भी लगा दें, कि पाइपिंग भी, के बटन भी, ये सब चीजें, तो अब जाहिर सी बात है आप प्रोफेशनल, तो कोशिश ये होती है कि कम से कम काम पे लेके आए उनको, कोशिश हमारी ये होती है कि उनको अच्छा भी लगे और चीज भी उनके मतलब की बन जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। अच्छा एक जमाना था जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते थे, मतलब उसमें यूं भी होता था, फिर यूं भी होता था, फिर यूं भी होता था, फिर यूं भी और यूं भी, और पता नहीं किस किस तरह से कपड़े होते थे, मुझे ना कभी वो डिजाइनिंग ना आई ना समझ में आई। तो भाई अभी भी मुश्किल ही है सब पहना, मैंने तो नहीं बनवाया, डिजाइनर ने भेज दिया उसकी मेहरबानी, अभी भी इतना काम भाई डिजाइनर की मेहरबानी है, सबके जरूर मुझे भेज देते, आसान तो अभी मेरे कपड़ों को देखा है ना कैसे पहनती हूं, ये पता है ना आपको, कपड़े था है ना वो मेरे कपड़े, हाँ अभी ये मैं लड़की बनी हुई हूँ, वो लाला भाई होता है क्या है? वो लाला भाई होता है जो, जो हाँ, वो लाला भाई होता है, वो माया भाई होता है, वो इन लोगों का माया भाई होता है, एंड वी हैव अ माया भाई वर्जन ऑफ आवर आउटफिट्स आल्सो, है ना, हाँ यू डू चेक आउट, आई विल डेफिनेटली, आई विल ऑफ कोर्स, अब तो मिल ही गए, अब कहाँ जाएंगे, हमारे हाथे में आने के बाद फिर हमारे हो जाते हैं लोग। सलमान भाई की तरफ जाते हैं, जो आप यहाँ पे बैठे हुए इस वक्त यहाँ पे कपड़े कौन काट रहा है, कौन काट रहा है मेरे को बताओ। मैं पूरी रात मैंने स्टे किया है शॉप पे कटिंग करके, जो मैंने 2-2.5 घंटे यहाँ देने हैं उसका काम, मैं कटिंग करके सारी चीजें दे के आया हूँ। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से जाने के बाद भी करना है, लेकिन खैर हम अपना बर्डन जो है इस तरीके से लेते हैं कि हम टाइम टू टाइम मैनेज कर लें, मतलब ये नहीं कि मैं जैसे भी भाई ने बताया कि बर्डन हो जाता है फिर लोगों को, ठीक है हो जाता है, उसमें थोड़ी सी कस्टमर्स भी वो करते हैं ना। अच्छा अभी आपको जो है ना लोग देख रहे हो, आपके कस्टमर्स देख रहे हो, इस वक्त आपको देख रहे हैं, इन दोनों ये तो बच जाएंगी, ये भी बच जाएंगी, ये भी बच जाएंगी, इनका तो पता सबको रोज आ रही है, हाँ आप नहीं बचेंगे, आप अभी दिखाई दे रहे हैं, और जो आपको इस वक्त फोन कर रहा है और जो करे जा रहा है मुसलसल, उसको आप क्या कहेंगे? मैं कहा था नहीं, मैं थोड़ी देर पहले मैंने उनको बता दिया है। क्या बताया आपने? माया खान के शो पे जा रहे जी, मैंने यही बताया, मैंने माया खान के शो बेचारे बोले ठीक है मैं आपको रोज के बाद बात करूंगा, वैल्यू वैल्यू हो जाती है। अच्छा यू नो नहीं नहीं वैल्यू ऐड हो जाएगी, वैल्यू ऐड हो जाएगी वाली है, अब लाइन लगने वाली है, टेलर्स आर सो इंपॉर्टेंट। और जहर अब आपके जब ये काम कर रहे थे, इवन जब ब्रांड नहीं भी था मेरा तो भी आप टेलर से बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, मां साहब को कपड़े देकर आए, बिल्कुल फिर आप वो, तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे जब टेलर का फोन आता है ना तो यूं मेरा फोन उठाएंगे, अगर वो उठाएंगे तो पहली दफा की थी ना तो मैं समझी शायद मेरे मैके से फोन आ रहा है, तो इसलिए झूम के मुझे वो कर रहे, वो पता चले टेलर का फोन था, तो मुझे कहने लगे यार वैसे एक बात है, इतनी तमीज से कभी हमसे भी बात कर लिया करो, इससे अच्छा था हम भी टेलर ही होते। मैंने कहा यार देखे हजारों रुपए के कपड़े हाथ में तो बंदा चीख चिल्लाता है, मतलब वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारे टेम्परमेंट मैं जानता हूँ, तुम जितनी मिठास से बात करती हो बिल्कुल ठीक है, कट जाएगी आपके पास इससे पहले कि मैं वफा ले लूं, क्योंकि ऊपर वाले का कोई भरोसा नहीं, ये ऊपर वाले कोई और भी हैं तो उनका कोई भरोसा नहीं, कभी भी काट दे। सलमान भाई की बात इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ।